हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दिन से। तो आज मैं अपनी जो है यूट्यूब पे जर्नी शेयर कर रही हूँ कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे जब मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया। पहले मैं औरों के चैनल को देखती थी, जैसे कि बिलासपुर सोलन से जो है मधु ठाकुर हैं उनको देखती थी, सरका घाट से है बंद्रा भारद्वाज उनको देखती थी, और कुल्लू से हैं दयाशीष और सोनिया से शिमला से इनके ब्लॉग्स में, और पूजा जी हैं वो भी जो है बिलासपुर से है कहीं से उनको देखती थी, और मोनिका कौशल है रामपुर से उनको देख देख के जो है मैंने सोचा अगर ये लोग ऐसा चैनल पे बोल सकते हैं तो मैं भी क्यों ना ऐसे बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ ऐसे। अपनी हर एक चीज़ें मैं घर की जो घर के कामों से रिलेटेड है शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने फिर अपनी बेटी को बोला कि मेरा भी एक चैनल बना ले। उस टाइम जब मैं मधु ठाकुर को देखती थी तो तब से मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि मेरा चैनल बना ले, मैंने भी जो है यूट्यूब पे अपना चैनल ग्रो करना है। तो मेरी बेटी बोलती थी रहने दो मम्मा, आपसे नहीं होगा। तो फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती कंपेल किया कि बना ले, इसमें क्या है, बना ले तू। तो चैनल तो बना लिया, फिर उसके बाद जो है सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की जो है टेंशन हो गई कि सब्सक्राइबर अब कहाँ से आएंगे, व्यूज़ नहीं पढ़ पाएंगे। पहले 5-7 व्यूज़ पड़े तो वो मुश्किल से, और सब्सक्राइबर भी कम, मैंने सोचा कि 10-12 सब्सक्राइबर भी नहीं बन पाएंगे ढंग से। लेकिन जैसे जैसे मैं चैनल पे अपनी ब्यूटी शेयर करती गई तो वैसे वैसे जो है मेरे चैनल की ग्रोथ होती गई। फिर मुझे जो है चैनल पे ग्रोथ करने में लगभग 1 साल से थोड़ा कम टाइम लगा। उतने टाइम में ही मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और इन सभी जो मेरे सपोर्टर हैं उनमें मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे और रिलेटिव्स हैं, तो उन सभी ने जो है मुझे पूरा सहयोग दिया। और मैं तो पहले जो है निराश हो गई थी बिल्कुल से कि मेरे जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर नहीं हो रहे सब्सक्राइबर तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम बनाते जाएंगे, तू बनाती जा और कभी ना कभी जो है तेरा चैनल जो है ग्रोथ ज़रूर करेगा। और जो है मैं वीडियो डालती गई, वीडियो में सारी जो है और चीज़ें हैं, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाती हूँ लेकिन उसमें टोन सोन जो सारी चीज़ें होती है वो जो है मेरी बेटी और बेटा करते हैं। इस चीज़ का जो है मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन अब जो है मैं थोड़ा सीख चुकी हूँ। ऐसे जो है एडिटिंग जो है मेरी बेटी और बेटा ये दोनों करते हैं, और इनको थंबनेल और टाइटल क्या देना है ये सारी चीज़ें इनको खुद से ही वीडियो को वॉच करके आ जाती है कि इसमें ए वाला थंबनेल देना है। लेकिन मुझे तो शुरू में स्टार्टिंग में जो है पता ही नहीं चलता था कि मैं अब इस पर क्या टाइटल डालूँ, समझ ही नहीं आता था। तो ये कहीं से भी एक आधी लाइन उठा के जो है टाइटल बना देते थे उसको। तो अब तो मैं पूरे तरीके से जो है सीख चुकी हूँ, मैं ऐसे करते हैं, ऐसे टोन डालते हैं, ऐसे करते हैं, अब सीख चुकी हूँ। लेकिन सीखने में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे आना नहीं था, लेकिन मैं इसमें दिमाग नहीं लगाती थी और मेरे पास टाइम नहीं होता था इतना कि मैं इन चीज़ों को सीख सकूं। और मेरी बेटी और बेटा दोनों ये जो है मोबाइल के बिल्कुल मास्टरी समझ लो, तो ये पूरी चीज़ जो है ट्यूटोरियल के निकालते हैं और मुझे बताते रहते हैं। तो मेरे फैमिली सपोर्ट जो है इस चैनल को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा है। 1000 सब्सक्राइबर का जो YouTube पे टारगेट होता है वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी जो है मुझे 4000 घंटे का जो है टारगेट कंप्लीट करना है। तो YouTube फैमिली जो मेरी अभी तक सपोर्ट कर रही है तो उनसे मुझे आगे भी इसी तरह की सपोर्ट मिलेगी, तो ये तो मुझे पता ही है, यहाँ तक उन्होंने पहुँचा लिया तो इससे आगे भी मुझे वो पहुँचा ही लेंगे। तो तभी मैं लाइव कर रही हूँ, अभी जो है मेरे 4000 घंटे कंप्लीटेड नहीं है, थोड़ा कम है, तो वॉच टाइम के लिए को बढ़ाने के लिए ही मैं जो है लाइव कर रही हूँ। तो
एक्सपीरियंस जो है मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा हुआ। जिस तरह से मैं ऐसे फ्लो से बोल रही हूँ, तो इस तरह से फ्लो में कैमरे के सामने बोलना जो है पहले नहीं आता था, क्योंकि आप मेरे जो है प्रीवियस ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें मैं इतना जो है खुल के नहीं बोल पाती थी, मुझे हिचकिचाहट लगती थी। लेकिन अभी जो है मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं लगती है, अभी मैं बिल्कुल फ्लो में बोल देती हूँ। क्योंकि इस पर जो है बार बार चैनल पे बात करते हैं तो एकदम से अंदर से फीलिंग आती है कि डर किस बात का है। हम जो है अपने हाथ से बना रहे हैं, खुद देखे बना रहे हैं, हम किसी के सामने नहीं बना रहे हैं, हम जो है अपने घर से रिलेटेड चीज़ें दिखा रहे हैं। इसमें फिर मैंने जो है अपने माइंड से निकाल दिया कि इसमें डर की कोई बात ही नहीं है। तो फिर मेरा फ्लो जो है बढ़ता गया और साथ में जो है मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का मुझे जो सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा रहा। अगर मेरे फैमिली मेम्बर का मुझे सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं छोड़ भी देती, लेकिन बच्चों का रहा, मम्मा आप बनाओ बनाओ बनाओ, मैं बनाती गई और आज जो है 1,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीटेड है। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उन सभी की वजह से भी ये हो पाया है, क्योंकि वो सभी मेरा सपोर्ट नहीं करते तो मैं बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यहाँ से आगे का भी वही रास्ता दिखाएंगे और वही मेरी सपोर्ट करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली का भी और मेरी अपनी फैमिली का भी। अभी मैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, मैं इस पर कुछ एक्सपीरियंस जो है अच्छा भी रहा, कुछ बुरा भी रहा, कुछ यादें खट्टी भी, कुछ मीठी भी, कुछ कमेंट्स बुरे भी, कुछ अच्छे भी। तो अच्छे कमेंट्स किए उसके लिए भी थैंक यू, जिन्होंने अपनी सोच के अनुसार बुरे कमेंट्स किए तो उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि वो उनकी सोच है। अगर वो नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव सोच ले, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है तो मैं पॉजिटिव ही लूँगी। तो उसके लिए भी सभी को धन्यवाद, क्योंकि हेटर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हेटर नहीं होंगे तो हमें अपनी कमियों का पता नहीं लगेगा। अगर हेटर हैं तो हेटर की वजह से जो है हमारी कमियां छलक कर सामने आएगी, जिससे कि हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हेटर्स के लिए भी थैंक यू और सपोर्टर्स के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो जर्नी मेरी इसी तरह आगे भी जारी रहेगी, तो सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो यही था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ 25% जो है ऐसी फीमेल हैं जो मेरे चैनल को वॉच तो करती हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ या सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब में क्या जा रहा है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, कर लो, लेडीज समझ के सपोर्ट कर लो। वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए अभी मैं वीडियो को जो है एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो आप लोगों का, सभी मेरे YouTube फैमिली मेम्बर का इसी तरह से मेरे ऊपर जो है सपोर्ट बना रहेगा और मेरे YouTube चैनल को जो है ग्रोथ करने में आप सभी का सपोर्ट जो है मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा। तो इसी आशा में जो है अपने आज के वीडियो को मैं एंड करूँगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।